हृदय वो सुना। अच्छा तो मतलब सिर्फ ये रीजनरेट टाइप हुआ है, मतलब पूरा ठीक हुआ है, बाकी सब जिनका हाथ टूटा पैर टूटा वो ऐसी है। ओ तो वो हुआ है इसके साथ। 4 घंटे तो बहुत ज्यादा है खास कर इसके लिए, 2 घंटे से भाग रहा है और थका नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ। बेसिकली यही दिखाया है, जब से गेट्स आए इसकी लाइफ एकदम घटिया हो रखी है। ट्रेन तो बढ़िया है। हेलो दोस्तों, आज देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3। लास्ट एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट मर ही गया था, जो ऑब्वियसली नहीं मरा है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। बाकी मुझे अभी तक इसके पहले 2 एपिसोड काफी ज्यादा अच्छे लगे, खासकर एनिमेशन, जैसे मरते हुए लोगों को दिखाते हैं ना, जलते हैं, वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है। बाकी इंटरवल वाला टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज एपिसोड देखते हैं। हाँ यहाँ पे खत्म हुआ था, नहीं मरने वाला था। खून वगैरह इतने अच्छे से दिखाया है इस एनिमे में। सारे स्टैचू नहीं मरेगा, नहीं मरेगा तो ऑफकोर्स नहीं, ये मेरे हिसाब से मैं गेस कर रहा था। मतलब ये अल्टीमेट सैक्रीफाइस वाली चीज इसने बोलती ना, तो ये खुद को सैक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको पावर वगैरह मिलेगी जो भी होगा। ये सपना तो नहीं हो सकता, अगर पहले 2 एपिसोड में हम सपना देख रहे होंगे तो बकवास हो जाएगा सच्ची बताओ तो। अच्छा उसकी टांगे वांगे है, लेकिन हॉस्पिटल में भी है तो मतलब वो हुआ है, सही में हुआ है, इतना तो पक्का हो गया। लेकिन रीजनरेट टाइप हो गया चीजें, हम जानते हैं इनको, ये थे हमारे साथ वहां पे। नहीं आई एम वू, तो ये जापानीज नाम, कोरियन नाम होने वाले ना, इनकी आदत नहीं ऐसे, जापानीज की आदत है। आई एम वू जिनचुल मैनेजर। अच्छा सिर्फ ये रीजनरेट टाइप हुआ है, मतलब पूरा ठीक हुआ है, बाकी सब जिनका हाथ टूटा पैर टूटा वो ऐसी है। मेरे साथ इसको देख के ठीक हो जाएगी ये, अगर ठीक होएगा ना। ना यार ये तो अच्छी कैरेक्टर थी ये, अगर ये आखिरी बार देख रहे हैं तो बकवास होएगा। हाँ बस ये सारे मरे हैं जो तुम देखा था, सही में हुआ है। मेगुमी जैसा नहीं लग रहा है, मेगुमी के पर्पल बाल कर दिए हैं। उनको इस पे शक जा रहा है क्योंकि ये तो ई रैंक है ना। कौन सी क्या, कौन टाइगर गिल्ड, नाम याद कर लो, वाइट टाइगर गिल्ड। इसको भी नहीं पता क्या हुआ, इनको वही लगे, इस पे शक जाता उल्टा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ई रैंक होके बच गया ना। Have you experienced a second awakening? अच्छा सेकंड अवेकनिंग हुई और कंट्रोल खो गया अपने आप का या कुछ, नहीं खुश हो रहा तो कुछ चेंज नहीं हुआ। नहीं इसको पता नहीं वही है अभी इसके, लेकिन सही में वही होगी इतना, ये तो काफी फेमस है, मुझे पता है इसका पावर अप वगैरह होता है। ई रैंक में भी बहुत घटिया केस है अच्छा इसके ऊपर ही कुछ अलग से स्क्रीन टाइप रखी थी, उन्होंने नोटिस भी नहीं करी, इसको दिख रही है सिर्फ। हाँ ये तो ही है, ये अलग, ये क्या है। हाँ ये तो पहले भी हमने मैसेज देखा था, लेकिन तब से हो नहीं गए 0.6। योर हार्ट विल स्टॉप इन 0.02 सेकंड्स इफ यू चूज नॉट टू एक्सेप्ट। अच्छा पहले भी आया था ना, फिर इसकी बहन है, सोचने लग गया था कौन है। इस बार तो कोई भी नहीं था सही।
これって。इसको भी नहीं दिख रहा, सिर्फ इसी को दिख रहा है मतलब। あのさ、メッセージボックスを開けばいいんじゃない？ये तो बेसिक सी चीज थी, इसको भी पता होनी चाहिए थी, इतनी बेसिक चीज तो।指示に応じない場合、ペナルティが課されることがあります。じゃあ、男性チームに行く、ジョビア。デイリークエスト教師の確認。確認。कंफर्म। अच्छा इसको बोलना है बस। अच्छा इसको वो ऐसे तो साइतामा वाली चीज होगी, 100 ये 100 ये 100 ये 10 किलोमीटर। अप्रोप्रिएट पेनल्टी। इसकी तो वैसे इतनी 10 है, वो मैनमा मैनमा जो भी है, 0 से भी और कितनी कम करेंगे पेनल्टी में। इसको पेनल्टी मिलने वाली है।次の B 級レイド、チャさんは教官役として参加してください。じゃあ、教官役ですか。いいと思うよな、周りジョンで聞いて、ジョンスターティングで聞いて、パラレルエピソードで。中や実地訓練も。私が指導者になるとは思いませんが。この通り戦っていれば大丈夫です。みんなその背中を見て学ぶ。我々ハンタースギルドは国内の5大ギルド。वो जो पहले आए थे, the hunters guild, वो जो white hunters guild, white tiger hunters guild ऐसी कुछ था।世界的に見れば。ये क्या है? अच्छा यहाँ ऐसे ही तो होता है, इसमें यहाँ से गेट आता है, फिर वो एनिमल्स टाइप आते हैं, ऐसे कुछ सारा। ये नॉर्मल है यहाँ पे मतलब। अच्छा ये अब इसको पेनल्टी मिलेगी। ये क्या है? अलग ही जगह पे आ गया है, गेट वगैरह के थ्रू आया होगा। ये इसकी पेनल्टी है। ये तो वो अच्छा ही पेनल्टी है, 4 घंटे तक इसका सरवाइव करना है। आउट ऑफ 4 था वो भी पेनल्टी में, आउट ऑफ 4 था भाई। मतलब सही में वहां पे ऐसे में थी, सोच नहीं सही में वहां पे ट्रांसफर टाइप हो गया है। 4 घंटे तो बहुत टफ है, खास कर इसके लिए। 2 घंटे से भाग रहे और थका नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ। 2 घंटे तक भाग कैसे लिया लगातार? तीन सेकंड बस, कितने 4 घंटे भागा है बंदे में भाई। स्टैमिना तो है जाए, रैंक ही है इसकी। मुझे तो अभी तक इसका ही रैंक समझ नहीं आया, जाए इसकी मैजिक कम है, बंदे में दिमाग इतना है। तो थका भी है, प्रॉपर स्वेट वगैरह भी है। कितनी अजीब चीज है, जैसे ये इससे पावरफुल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन तुम जब ये बोले तो मुझे करना पड़ेगा ये अपनी चीजें इनकी, नहीं तो ये करना पड़ेगा। सही में ट्रॉमेटाइज टाइप हो गई है। नहीं जा रही। हाँ ये अच्छी है, अभी तक अच्छी लगी मुझे। अच्छा उसको भागते हुए देखते उनको लगता है कि पागल है, लेकिन ये बेचारे को करना पड़ रहा है। इश्की गा मुदोत्ते करा क्यों दे योक्का में। अब से भाग रहा है पूरे पूरे दिन। अच्छा कर लिए इसने उस आइतामा वाली रूटीन। ओशिंग आए रारे रे। जोता नो काई फ्के। फुल रिकवरी और क्या क्या था? अरे बाकी तो दिखाओ। अच्छा ये सही है, मतलब उसके लिए तो अच्छा है, मतलब ट्रेन भी कर पा रहा और थक भी नहीं रहा। सोचो तुम कितनी घंटे भी ट्रेन कर सकते हो लेकिन तुम थकोगे नहीं, एक तरीके से वही हो गया ये। ये तो बढ़िया। ओ अच्छा ऐसे स्ट्रेंथ वगैरह भी। रियल लाइफ गेम चल रही है बंदे की। सब उसके देख रहे हैं, खुद से बातें करते हैं। रैंडम बॉक्स। रैंडम इसकी लाइफ एक तरीके से बेटर ही हुई उस पूरी डेंजन वाली चीज के बाद। इंस्टेंस डंजन। अच्छा बस रे। गोरन नो ककुचु दे अराता नी डी क्यू गेट गा हत्से शिमाशिता। जो सारा चलता रहता है पूरे दिन, मतलब इरिटेटिंग हो गया नॉर्मल लोगों के लिए जिनके पास मैजिक वगैरह नहीं है, पूरे वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बकवास चलती रहती है। तो
ゲートがあった病で、数万人に一人の割合で発症します。マナに長時間さらされることが要因だ。Continual exposure to マ、とイスメシャッチャーティングせよ、映画をマナワナ。現在の医学では。さあ。ほら、若いのタコ出せんじゃねえ。はい。ये तो टफ है यू नो मैं इंसान के लिए एकदम से मम्मी अब कभी जा गई नहीं लेकिन जिंदा है लेकिन मतलब जाएगी नहीं तो दिखा रहे हैं मतलब हंटर बनने से पहले भी इसको काफी मेहनत करनी पड़ी है मतलब इसकी ट्रीटमेंट है लेकिन पैसे लगेंगे इसलिए नहीं कर रहे अभी तक ठीक है मम्मी को घटिया लोग बकवास能力値ポイント筋力ベシルに दिखाया है जब से गेट्स आए इसकी लाइफ एकदम घटिया हो रखी है ये स्ट्रेंथ आ रही है ना उसको पता है फाइनली तो ये इससे मतलब कहीं भी जा सकता है क्या है कि मतलब कहां जा रहा है ये डंजन मतलब किसी भी डंजन में जा सकता है ऐसा कुछ है हाँ इंस्टेंस डंजन में आया अच्छा एक मेरे साथ एक पर्सनल डंजन टाइप अगर जहाँ पर तुम ट्रेन कर सकते हो गैस कर रहा हूँ मुझे नहीं पता ठीक है अच्छा बाकी लोगों को इसके आसपास जा सकते हो उनको ये दिख नहीं रहा मत्तक नो इजिगे हाँ इंस्टेंस डंजन तदन तर यू कैन एग्जिट द डंजन यू मस्ट आइदर डिफीट द बॉस Or use a teleportation stone. とにかくクリアするまで出られ、E級のモンスターも倒せない俺に。あ、これ増えたな。1031増えてきたからな。無茶言うよ。なんか弱気になってきた。あ、でもね、ペルテにさ、あれだったね。ベーシックじゃって。出た。しかも3体。あれと1体あれだったからやだ。ああ、でかあれ1体1体あれだったな。もう見てね、31ステンスの後はどうだ。अब नहीं आ रहेगा डॉच तो कर रहा डॉच तो कर रहे पहले भी कर लेता था इसको भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ तो आ गई है इसमें लेकिन इसको पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ आई है वगैरह और मुझे भी नहीं पता ऐसी बकवास कर रहा हूँ ये तो सेम स्ट्रेंथ लग रही है मुझे आप देखना ओहो पहले नहीं कर पाता था ये पहले याद है इसने जब एक बार पहले ये सेम चीज ट्राई करी थी तो वो उसका चाकू टूट गया था इस बार पूरा गया है हाँ देखा पहले नहीं कर पाता था ये डॉज बहुत तो अभी करना पड़ेगा लेकिन अब मार रहे थे कितनी आसानी से मर रहे हैं ट्रेन तो बढ़िया है तीनों को मार दिया हाँ ओहो ये थोड़ा हाई लेवल हो गया ये डी बी रैंक हो गया ये है ना ये इस लेवल पे नहीं आया शायद अभी ये वुल्फ वाले लेवल पे तो इसके अभी जब से गेम टाइप जो भी है ये चल रही है स्क्रीन पे इसके नाम लिखे आते हैं स्टील फैंग लाइक कर हाँ हाँ देखा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया ना स्ट्रेंथ आ गई हाँ ना 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 इसको बस कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा स्ट्रेंथ आ गई है कॉन्फिडेंस की कमी है डन फॉर खत्म ही है मतलब पूरा ही खत्म है तो कंपनी बुला ले एनिमेशन अच्छी चल रही है काफी ज्यादा एक मुझे कैमरा एंगल जब मूव होते हैं ना जेजे के में भी बहुत पसंद है चेंज तो मैन भी इसमें भी ये क्या बकवास ये ऐसे कौन खत्म करते हैं मैं ये क्या हो गया एकदम से आउटरो आ गया भाई यार ऐसे कौन खत्म करता है ये अच्छा एपिसोड था नॉर्मल इसमें इतना कुछ नहीं हो जितना पहले दो एपिसोड में होता है कि हर एपिसोड में होना जरूरी भी नहीं है अच्छा अभी सीजन बहुत अच्छा चल रहा है तीन एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छे लगे अगर तुम वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और मुझे थैंक यू बाय बाय